नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, कार से घूमते हुए आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा खिला रहे तीन युवकों को कोयफिजा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से नकदी, मोबाइल फोन, कार जब्त की है, साथ ही 1,00,000 रूपए से अधिक का सट्टे का हिसाब किताब भी मिला है। कोयफिजा थाने के टीआई ब्रजेंद्र मर्सकोले ने बताया कि सोमवार रात मुखबिर से पता चला था कि लालघाटी इलाके में कार से घूम रहे तीन युवक फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से आईपीएल मैच पर सट्टा बुक कर रहे हैं। पुलिस ने मोबाइल नंबरों के आधार पर युवकों को लोकेशन पता की। लगातार कार से चलते रहने के कारण उनकी लोकेशन बार बार बदल रही थी। पुलिस लोकेशन के आधार पर उनका पीछा कर रही थी। रात करीब 1 बजे सटूरियो की स्थायी लोकेशन एयरपोर्ट रोड स्थित दाता कॉलोनी की मिलने लगी। तब पुलिस ने रात 1:15 बजे दाता कॉलोनी से बैरागढ़ निवासी 27 वर्षीय दीप बजाज, 25 वर्षीय हर्षिल होजवानी और 25 वर्षीय रितेश को हिरासत में ले लिया है। ये तीनों पहले भी ऑनलाइन सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों से 3,800 रूपए, 4 मोबाइल फोन और सट्टे का हिसाब किताब मिला। पता चला कि वह कार क्रमांक MP04AB8146 से शहर में घूमते हुए व्हाट्सएप चैटिंग से सट्टा बुक कर रहे थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि उसके पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, मोबाइल पे वो आईपीएल से क्रिकेट पे दाव लगा रहे हैं। सूचना की तस्दीक के लिए हमने अपनी एक टीम बनाई, वहाँ पर रवाना किया गया। जब तक वो रीजन होटल पर पहुंच चुके थे, वहाँ पर बैठ के वो सट्टे का दाव लगा रहे थे। आईपीएल जब कर रहा था तो उस पर से लगा रहे थे। उनके पास से हमने जब चेक किया तो उनके पास से 7 मोबाइल बरामद हुए। व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा लेखा जोखा दिया गया था, जो लाखों का अमाउंट का है, जो क्रिकेट पे जो दाव लगाने के थे, दाव लगाया गया था कई लोगों के माध्यम से। और उनके पास अभी कोई मोबाइल चेक किया जा रहा है, कोई आईडी अगर होगी, किस आईडी पे खिला रहे थे, किस बेसिस पे, उस चीज़ के संबंध में तस्दीक की जा रही है। लगभग कितने आरोपी हैं और उनके लिंक कहाँ कहाँ था? ये तीन आरोपी हैं जो बैरागढ़ के रहने वाले हैं। एक दीप बजाज है, हर्षिल है, रितेश है, जो बैरागढ़ के रहने वाले हैं। और इनके पास से अभी कुछ बस मोबाइल 7 बरामद हुए हैं और अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि कौन कौन लोग इनके कांटेक्ट में थे और कैसे लगाते जाए, इस संबंध में जानकारी एकत्रित कर रही है की जा रही है। अभी थाने पे 268 एमली एक्ट के तहत मुकदमे कायम किया जा चुका है, उसकी विवेचना जारी है। अभी नहीं निकले तीनों कोई अपराध नहीं। हाँ, खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.